अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद मिलाद स्पेशल चावल की खीर, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आज हम चावल की खीर बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाले हैं। हम इसमें मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी हमारी खीर बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, अब हम उसमें 1/4 कप चावल डालेंगे। ये नॉर्मल चावल है, हम जो घर में डेली बनाते हैं वही चावल। अब हम इसको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इस खीर को ईद मिलाद के मौके पे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें पानी डालकर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम एक कॉटन का साफ कपड़ा लेंगे, उसमें चावल डालकर अच्छे से चावल का पानी सुखा लेंगे। अब देख सकते हैं हमने पानी को अच्छे से सुखा लिया है। अब हमें गैस पे पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को हम हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। इस तरह हम चावल को घी में भून कर बनाएंगे तो खीर बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बना रहे हैं तो 2 से 3 बार गर्म करने पर खीर नीचे तले पे चिपकने लगती है। अगर चावल को इस तरह भून के बनाएंगे तो तले पे नहीं चिपकेगी। आप देख सकते हैं चावल अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। चावल को ठंडा करके मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। अब हम उसी पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही ड्राई फ्रूट को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस खीर को ईद मिलाद के मौके पर ज़रूर ट्राई करें। ड्राई फ्रूट में हमने काजू और बादाम का इस्तेमाल किया है। आप अपने पास जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पिसे हुए चावल डाल देंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल दूध लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ चावलों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसी के साथ हमने यहाँ पर 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। 1/2 कप चीनी डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीनी ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्राई के लिए ड्राई फ्रूट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हमने जो दूध में मिल्क पाउडर घोल के रखा था अब हम उसको डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही टेस्टी सी चावल की खीर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।